जी सॉरी फॉर द डिले. ओके सो मूविंग फॉरवर्ड वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग इंटरनेशनल सिक्योरिटी. तो सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी से हमारा एग्जैक्टली मतलब क्या होता है. सो एज यू कैन सी दिस इज अ हाइब्रिड मॉडल. ये जो आपको नजर आ रहा है कि ये मुख्तलिफ डायमेंशन हैं जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी को गवर्न करती हैं. और हर साल एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आती है जिसको ग्लोबल सिक्योरिटी रिपोर्ट कहते हैं. इसमें कुछ फैक्ट्स जो हैं वो 2021 के भी मैंने डाले हैं ताकि उसको आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से इंटरनेशनल सिक्योरिटी है वो चेंज हो रही है, इवॉल्व हो रही है. हाउएवर इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट दैट मींस कि जो आपकी 21st या 20th सेंचुरी की जो प्रोग्राम्स अब बना रहे हैं, फ्यूचर लुकिंग अप्रोच उठा रहे हैं, तो उसमें ये पांच एस्पेक्ट्स हैं, विच इज योर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन. दैट मींस कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या नई साइंटिफिक इनोवेशन हो रही है, क्या टेक इवॉल्व हो रहा है. एज यू ऑल नो कि जो वॉरफेयर है या सिक्योरिटी कंसर्न है और जो वेपनाइजेशन है वो बहुत ज्यादा अब नॉन ह्यूमन होती जा रही है. दैट मींस कि मोर देन स्पाइज नाउ यू हैव ड्रोन्स, मोर देन योर सोल्जर्स यू हैव अदर सॉर्ट ऑफ वेपन्स दैट आर लॉन्ग रेंज. उसी तरह आपकी जो डेटा है उसकी प्राइवेसी भी अब एक बहुत मेजर फैक्टर है टू डिटरमिन द लेवल ऑफ योर सिक्योरिटी. फिर उसमें एसिमेट्रिक थ्रेट्स अब आ चुके हैं. एसिमेट्रिक थ्रेट से क्या मुराद होती है? फॉर एग्जाम्पल आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में समझिए कि हाउ इज इट कि अगर हमारे पास इतनी बड़ी एग्जाम्पल है अफगानिस्तान की इस वक्त, तो वाई द तालिबान आर रिगार्डेड एज एन एसिमेट्रिक थ्रेट. जो क्योंकि वो एम्प्लॉय करते हैं एक टैक्टिक को जिसको हम कहते हैं गुरिला वॉरफेयर. गुरिला वॉरफेयर से मुराद ये होती है कि फॉर एग्जाम्पल किस साइज में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, किस पॉइंट ऑफ व्यू से और हर लिहाज से, पैसा, रिसोर्सेज, एक्सेस, एवरीथिंग, द यूएस आर्मी वॉज फार बेटर इक्विप्ड देन जस्ट अ बंच ऑफ मैन इन देयर सलवार कमीज एंड देयर क्लाशनकोव्स. व्हाई इज इट that the US army was unable to get rid of a bunch of 1,000 people over a span of 20 years. Aisa kya tha jiski wajah se wo Taliban ko essentially eliminate nahi kar sakte. To isko kehte hain asymmetric threat. Matlab equivalency pe nahi hai, ye koi open ended war nahi hai. Open ended war ya do jo purane waqton mein concept tha ki do armies ek maidan mein aamne samne milengi और जिसकी टैक्टिकल सुपीरियोरिटी होगी और जिसके जर्नैल बेहतर होंगे तो वो फौज जीत जाएगी. सो द वर्ल्ड हैज इवॉल्व फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. ऐसी लास्ट नॉन पॉसिबल जंग जो थी वो आपकी वर्ल्ड वॉर टू थी. उसके बाद से इट हैज ऑलवेज बिन समथिंग कॉल्ड लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि फुल स्केल वॉर कहीं पे भी उस तरह से नहीं हुआ. उसके बाद दौर शुरू हुआ इंसर्जेंसीज का, प्रेशर टैक्टिक्स का, प्रेशर ग्रुप्स का, गुरिला वॉरफेयर का, जिसकी सबसे जो हम कह सकते हैं आपके ये तमिल टाइगर्स की एग्जाम्पल है जो कि एक श्रीलंकन ग्रुप था. उसी तरह आपके पास वियतनाम का जो वियतकोंग है उनकी एग्जाम्पल है कि वो इसी तरह से थे. और वहां पे भी यूएस आर्मी को इसी वजह से दे लेफ्ट से अगोंग, बिल्कुल इसी तरह जो अब आप लोग देख रहे होंगे कि इसका मुवाजना हो रहा है बारह न्यूज के अंदर, कि वो बारह एक फोटो दिखाते हैं 70s की जब इसी तरह जो है वो एग्जिट कर रही है यूएस आर्मी के डिप्लोमैट्स जो है वो एग्जिट कर रहे हैं मुल्क से, वियतनाम से, जिस तरह से अब अफगानिस्तान से जो है वो निकल. तो सिमिलैरिटी क्या है? एसिमेट्रिक थ्रेट की प्रॉब्लम ये होती है कि उसको आपके रिसोर्सेस से मैच करना इम्पॉसिबल है. दैट मीन्स कि आपको ये ही नहीं पता कि आप पे हमला किस वक्त, कब और कैसे होगा, तो उसके लिए प्रिपरेशन करना बहुत मुश्किल है. उसी तरह एक सुसाइड बॉम्ब को टैकल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है बिकॉज इट्स नॉट अ फेयर फाइट. जो अगला बंदा आ रहा है वो एक है, राइट? तो सुसाइड बॉम्बिंग इज एन इफेक्टिव टैक्टिक प्रिसाइसली बिकॉज ऑफ द रीजन कि एक बंदा अपने 7,000 को लेके जा सकता है, उसका इम्पैक्ट ज्यादा है, टैक्टिकल फियर का इस्तेमाल यहाँ पे ज्यादा हो रहा है. तो इसलिए जो भी वॉरफेयर जहां पे इक्वलेंसी नहीं से मुराद ये है कि वो आप उसका मुवाजना आपस में नहीं कर सकते. जो आपको जो थ्रेट है वो बजाते दिखने में बड़ा स्मॉल लग रहा हो, वो आपसे कंपैरेटिवली अंडर इक्विप्ड भी होगा, लेकिन उसकी एक जो विक्ट्री और स्ट्रेंथ है ना वो गुरिला वॉरफेयर से आती. गुरिला वॉरफेयर ये कीजिए आप छोटे छोटे अटैक्स ना बारह अपने ज्यादा तादाद वाले एनिमी के ऊपर करते रहे, इस पॉइंट तक करते रहे कि इवेंचुअली वो कमजोर पड़ जाए. अब यही कुछ जो है वो वियतकोंग ने भी किया था वियतनाम में. वियतकोंग वाज अ कम्युनिस्ट बेस्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द अमेरिकन ऑक्यूपेशन. वो वहां पे जब गए थे तो ये
रेजिस्टेंस थी उनकी, और वो भी यही करते थे कि जंगलात में इनके ऊपर टोटो में हमला करते रहते. बेपना अमरीकी फौज जो है वो दे गॉट वेस्टेड इन द वियतनाम जंगल्स, एंड अल्टीमेटली वो उनको एसेंशियली इलिमिनेट नहीं कर सके जिस तरह से वो तालिबान को भी इलिमिनेट नहीं कर सके. बिकॉज लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट या एसिमेट्रिकल वॉरफेयर जो है उससे टैकल करना बहुत डिफरेंट है. उधर आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है सोसाइटी के साथ, आपको इंगेज करना पड़ता है होस्ट कंट्री के साथ जहां पे आप जाके लड़े. एक तो आपकी अपनी जमीन भी नहीं. पहले जमानों में ये भी था कि जो भी बैटल होती थी वहां पे बाउंड्रीज बड़ी डिफाइंड थी कि भी आप कंट्री के अंदर नॉट यू हैव मूव्ड इन दिस पर्टिकुलर कंट्री और उसकी फौज से आपकी लड़ाई होगी. ऐसा नहीं था कि हजारों मीलों दूर आप किसी और मुल्क के अंदर जाके वहां पे आपको जंग लड़नी पड़ेगी जहां पे आप अपने होम कंट्री से दूर हैं, हम होम बेस से दूर हैं और आपका एक गैप है अपनी बेस गवर्नमेंट के साथ, कम्युनिकेशन गैप है, ग्राउंड रियलिटी चेक नहीं है. तो ये वाली सारी चीजें जो है उसने मॉडर्न वॉरफेयर को और इंटरनेशनल सिक्योरिटी को इंटायरली चेंज कर दिया है. इट इज प्रिसाइसली वाई कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी की नेचर भी बिल्कुल बदल गई है, क्योंकि अब कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रैवल, रेडिकलाइजेशन, जैसे कि आपको पता है कि आईसिस की इतनी बड़ी मिसाल है क्योंकि इतने सारे रिक्रूट्स जो हैं वो दुनिया भर के नेशनल्स थे. दे ट्रैवल्ड ऑल द वे फ्रॉम देयर होम कंट्रीज टू सीरिया टू फाइट विद दिस पर्टिकुलर ग्रुप. तो यानी दैट मीन्स कि उनकी जो प्रोपोगेंडा रीच थी वो बहुत स्ट्रांग थी, एंड दे रीच्ड आउट टू ऑल दीज पीपल जिनका इस्लाम से भी कोई ताल्लुक नहीं था, जिनका जनरली भी सीरिया की स्ट्रगल से कोई ताल्लुक नहीं था, बट दे लेफ्ट एवरीथिंग एंड दे वेंट टू सीरिया टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर ग्रुप. तो अब थ्रेट का जो लेवल है वो सिर्फ बॉर्डर्स तक महदूद नहीं रह गया. इंटरनेशनल सिक्योरिटी या जिसको हम सादे अल्फाज में ग्लोबल सिक्योरिटी कहते हैं, उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है, इट इज रिगार्डेड एज द अमलगमेशन ऑफ मेजर्स टेकन बाय स्टेट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस सच एज द यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एंड अदर्स टू इंश्योर म्यूचुअल सर्वाइवल एंड सेफ्टी. अब ये जो दो पर्टिकुलर चीजें हैं कि जी म्यूचुअल सर्वाइवल एंड सेफ्टी, वो दो चीजों से फर्दर इंश्योर की जाती है. इट इज आइदर थ्रू डिप्लोमेटिक डायलॉग अग्रीमेंट्स, ट्रीटीज, कन्वेंशंस या मिलिट्री एक्शन. अब हिस्टोरिकली स्पीकिंग मिलिट्री एक्शन हैज बीन वेरी रेयरली बेनिफिशियल टू एनी पार्टी जब भी कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है. अल्टीमेटली डिप्लोमेटिक अग्रीमेंट और कन्वेंशंस और ट्रीटीज, इन्हीं चीजों से मामला फाइनली रिजॉल्व भी हुए हैं. अब आप जैसे आपने वही वाली बात में फिर अफगानिस्तान की एग्जाम्पल के ऊपर आपके सामने आऊंगी कि जैसे आपने देखा कि अल्टीमेटली ये वही ग्रुप है जिसके लिए ऑलमोस्ट इन 2001-2000 में ये बात की गई थी कि वी विल नॉट नेगोशिएट विद टेररिस्ट, इफ आई एम कोटिंग द बुश जूनियर करेक्टली. तो यही था कि वी विल नॉट नेगोशिएट विद टेररिस्ट, एंड बारहा इनके जितने उसके बाद प्रेजिडेंट आए, देर हैज बीन दिस जनरल नैरेटिव दैट वी विल नॉट have a dialogue with terrorists, we will not engage with terrorists, and this has been similar in the case of all other states jo wahan pe involved bhi rahi hain. NATO forces ke bhi jo states hain wo sab ne yahi ek dialogue rakha raha hai. Lekin jaise hi ab America nikal raha hai, aap log bhi notice kar rahe honge news mein, agar aap you're keeping up with which you should, you would be picking up on these subtle hints, aur aista aista aap note kar rahe honge ki logon ki positions badal rahi hain. They have stopped openly calling the Taliban as terrorists. अगर आप कभी अमरीकी मीडिया लगा के देखें और उनको जरा सुने तो यू रियलाइज कि बारहा एक चांस देने की बात हो रही है कि वो बदल गए हैं, मतलब बड़े सटल तरीके से वो अपना नैरेटिव चेंज करें. अब ये वही ग्रुप है जिसको आप आउटसाइड ऑफ टेररिस्ट दे वर नेवर रेफर टू एज एनीथिंग एल्स. तो क्या ऐसा नैरेटिव चेंज हुआ कि अब वो दे आर फोर्सिंग देमसेल्व्स टू गो बैक ऑन द डिस्कशन टेबल. So international security or global security in general, वो इन सारे factors को मिला के एक institution है जिसके अंदर आपके resources हैं, उसमें अब climate भी, once again, climate is a huge part of international security now. जैसे कि आप सबको पता है कि global warming हो रही है, climate related threats मौजूद हैं, and with the last 2 years being कि आपके सामने जो एक पेंडेमिक की सिचुएशन आई है और किस तरह से क्रॉस बॉर्डर फिल्ट्रेशन हो सकती है एक वायरस की जस्ट थ्रू ट्रेवल, वहां से एक और नया सिक्योरिटी चैलेंज हैज प्रेजेंटेड इटसेल्फ कि अब अगर कोई बीमारी किसी पर्टिकुलर कंट्री में जनरेट होती है तो उसको वहीं तक कंटेन करना बहुत मुश्किल हो गया है, बिकॉज यू कैन नेवर ट्रैक द एक्चुअल सोर्स ऑफ अ पर्टिकुलर वायरस.
फिर आपकी पॉपुलेशन शिफ्ट हो रही है। जैसे कि हमें ये पता है कि पाकिस्तान पिछले 20 सालों से कॉन्स्टेंटली ये कहता है कि जी हमारी जो इंटरनल मसाइल है उसका बहुत बड़ा मेजर कॉज जो है वो अफगान रेफ्यूजीज है। अब पाकिस्तान ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि डेमोग्राफिक शिफ्ट हुआ। दीज पीपल वर बहरहाल आउटसाइडर्स एंड दे केम इन टू योर कंट्री एंड मेनी ऑफ देम डिड नॉट हैव पासपोर्ट्स और प्रॉपर नेशनैलिटीज और वो किसी डेटा बेस में नहीं थे और बहुत ज्यादा ऑल्दो दिस कुड बी अ वेरी रेसिस्ट अप्रोच, जरूरी नहीं है कि यही बात हो, बहरहाल दे से कि भाई दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स दीज ऑर्गेनाइजेशंस थ्राइविंग इन पाकिस्तान, विच इज एन अनफेयर थिंग टू से ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि जस्ट बिकॉज दोज रेफ्यूजीज केम टू पाकिस्तान तो उन्होंने उन्हीं की वजह से रेडिकलाइज, बट दैट इज द नैरेटिव दैट जो गवर्नमेंट हैज टेकन कि भाई अब टाइम है कि इन सारे लोगों को रिटर्न कर दिया जाए। फिर एफिशिएंट गवर्नमेंट जहां नहीं वहां पे सिक्योरिटी का थ्रेट जो है दूसरे मुल्क भी फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाई इज इट कि नॉर्थ कोरिया किसी को तंग नहीं कर रहा बजाते खुद या, लेकिन क्योंकि उनका लीडर और गवर्नमेंट अनस्टेबल और हॉस्टाइल कंसिडर की जाती है इसलिए पूरी दुनिया हर वक्त जो है देर ऑन द केस ऑफ नॉर्थ कोरिया बिकॉज दे कंसिडर दैट पर्टिकुलर स्टेट एज रोग, रोग यानी के इंटरनेशनल लॉ को फॉलो ना करने वाली स्टेट जो कि बाकी लोगों के साथ कंसेंसस में नहीं आ सकती, तो उस पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर वो सैंक्शंस इसलिए लगाते हैं, ये सब करते हैं ताकि उनको कंट्रोल किया जा सके। रोग स्टेट ऐसा ही है जैसे एक माशरे के अंदर एक क्रिमिनल है जिसने चोरी की है व्हाटएवर, वो सोशल नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा। फिर हम देखते हैं कि जी इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी एक चीज अब बन चुकी है। मैं अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराऊंगी, इसको कहते हैं ये है एक रिकार्डो, डेविड रिकार्डो वाज अ थ्योरिस्ट हू सेड के म्यूचुअल बेनिफिट की बेसिस पे स्टेट्स विल ऑलवेज कोऑपरेट रादर देन फाइट। या क्या मतलब है कि जी जब ट्रेड दो स्टेट्स आपस में करेंगी और एक दूसरे को बेनिफिट देंगी, इससे ये मुराद है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास, हम इस बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल ले लें कि अगर मैं एज अ पाकिस्तान, लेट्स से जस्ट अज्यूम के पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान हैज ऑल द शुगर प्लांटेशन वाइल द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द रीजन फॉर सॉल्ट इज इंडिया, अगर ये इस ट्रेड के ऊपर रिलाई करने लग जाए कि जी इंडिया जो है वो अपनी स्ट्रेंथ जो है दैट इज सॉल्ट वो करे एक्सपोर्ट पाकिस्तान को, जबकि पाकिस्तान जो कि इसकी स्ट्रेंथ है शुगर वो एक्सपोर्ट करने लग जाए इंडिया को, तो यहाँ पे म्यूचुअल बेनिफिट और डिपेंडेंस, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी क्रिएट होगी जिसकी वजह से पीस भी पैदा होगा। यानी दो स्टेट्स में जब उनको एक दूसरे पे रिलाई करना पड़ जाएगा ट्रेड के थ्रू, तो कॉम्पिटिशन के अलावा एक और चीज ये पैदा होगी कि आप एक दूसरे पे म्यूचुअली रिलाई कर रहे होंगे और अपनी स्ट्रेंथ से एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं, तो फिर वॉर नहीं हो सकेगा। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने वाला कि जब आप एक दूसरे पे म्यूचुअली डिपेंडेंट हैं फॉर सर्वाइवल फॉर योर इकोनॉमिक ग्रोथ, तो फिर आप एक दूसरे के साथ वॉर लाइक सिचुएशन में नहीं जाएंगे। अब दिस इज अ आइडियल सिचुएशन, ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग्स अपने फायदे से ज्यादा अपनी इमोशंस को प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए हम ये नहीं सर कह सकते कि भाई इंटायरिटी लॉजिकल बात को कोई फॉलो करेगा। हालांकि जो ट्रेड पोटेंशियल है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में वो इतनी ज्यादा है कि वो एक्चुअली फॉलो होना शुरू हो जाए तो दोनों ममालिक की बहुत ज्यादा बचत हो सकती है, लेकिन क्योंकि वी हैव आर ओन इश्यूज एज टू डिफरेंट स्टेट्स, दोनों को बहुत ज्यादा वो एक मिलिट्री कॉम्प्लेक्स का भी इशू है और आप एक दूसरे के साथ डिसआर्ममेंट या डिसएंगेजमेंट की तरफ नहीं जा सकते टिल योर इश्यूज आर रिजॉल्व, तो इस वजह से ये वाली चीज जो है वो बहुत आइडियलिस्टिक है। बहरहाल लेकिन ये एक एस्पेक्ट है कि टू बिकम मोर इंटरनेशनली सिक्योर द मोर ट्रेड इज बीइंग डन, और जितने बॉर्डर्स पोरस हो जाएंगे यानी कि जितने बॉर्डर्स इजिली क्रॉस हो सकेंगे तो उतना वॉर नहीं होगा। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने आती है यूरोपियन यूनियन की, विच इज एक सुपरनेशनल स्टेट ही है वो ऑलमोस्ट। क्या आपको पता है कि यूरोप के अंदर एक अग्रीमेंट है जिसके तहत उनकी जो कस्टम्स का कोई एसएच बॉर्डर नहीं है, उनकी यूनिफाइड फीसें हैं, पूरा यूरोपियन यूनियन का वीजा लगता है तो आप यूरोपियन यूनियन में कहीं भी जा सकते हैं। तो जब उन्होंने अपने बॉर्डर्स को इस तरह से सेंट्रली खत्म कर दिया और यूरोपियन यूनियन को या यूरोपियन यूनियन कमीशन को अपना हेड डिक्लेयर कर लिया और अपनी जुडिशरी को भी जो है इंफीरियर कर दिया बनिस्बत यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस के, तो इसका एडवांटेज उनको ये हुआ कि वी नो दैट दैट रीजन हैज प्रॉस्पर्ड इमेंसली एवर सिंस द वर्ल्ड वॉर टू।
तो इसका फायदा तो हमारे सामने है, हमें नजर आ रहा है कि जी ये एक एग्जाम्पल है जो कि लेजिटिमेटली हम इसको परसू कर सकते हैं। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम दिस, अब जैसे एक और बात मैं फाइनली बात जो आपको इस पर्टिकुलर स्लाइड के हवाले से बता देती हूँ कि जब ग्लोबल सिक्योरिटी की हम बात करते हैं तो ये चीज अब बहुत इवॉल्व हो चुकी है, इस हद तक कि पहले यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन या ये जो ऑर्गेनाइजेशंस थी इंटरनेशनल, इनका कोई ताल्लुक नहीं होता था इंटरनेशनल सिक्योरिटी या ग्लोबल सिक्योरिटी से। पहले सिर्फ स्टेट्स का ताल्लुक होता था इंटरनेशनल सिक्योरिटी से, स्टेट्स आपस में अलायंसेस करती थी और ये डिसाइड करती थी कि भाई आप हमारे साथ अलाइड हो जाएं। पहले वक्तों में ये था कि अगर ऑटोमन एम्पायर के साथ ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर अलाइन कर गया है तो उनकी कलेक्टिव स्ट्रेंथ को देख के कोई चौथी स्टेट एक दोनों में से किसी एक पे हमला नहीं करेगी, बिकॉज उनको ये श्योरिटी होगी कि दूसरी स्टेट इनकी मदद को आ जाएगी। सो मेनी अ टाइम्स वॉर वुड बी प्रिवेंटेड बाय स्ट्रेंथ या शो ऑफ स्ट्रेंथ एटलीस्ट। अब इंटरनेशनल सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले जो है वो इमर्ज हुआ है एज एन इंडिपेंडेंट फील्ड ऑफ स्टडी इन वर्ल्ड वॉर टू के फौरन बाद, जब इसको इंटरनेशनल रिलेशंस का एक हिस्सा बना दिया गया था कि जी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसको अब फर्दर स्टडी किया जाता है और तीन एस्पेक्ट्स में, जिसमें आपके पास जो है ये तीन पर्टिकुलर फील्ड ऑन द टॉप ऑफ माई हेड थे तो मैंने इनको यहाँ पे मैंशन कर दिया। एक है सिक्योरिटी स्टडीज, स्ट्रेटेजिक स्टडीज और पीस स्टडीज। अब ये फर्दर वो फील्ड्स हैं जिनको अब प्रॉपर जिन पर डिग्रीज कराई जाती है, और अब ये समझा जाता है कि जो सिक्योरिटी का वर्ड है उसका मतलब है अनएक्नॉलेज्ड कंसेंसस, यानी कि आपका आपस में एक बाहमी अरेंजमेंट है। जब आप सड़क पे निकलते हैं तो व्हाई डोंट यू जस्ट हिट द नेक्स्ट पर्सन, आप उसे अगले बंदे को क्यों नहीं मारते, मतलब क्यों ऐसा नहीं होता कि आपको आप अपने आप को ट्रैफिक की उसके ऊपर जो है अगर आपको नजर आ जाए कि वो जो पेट्रोल ऑफिसर है वो खड़ा हुआ है तो व्हाई डोंट यू स्क्रीम एंड शाउट एट द नेक्स्ट पर्सन जिसने अभी आपकी जो है वो लाइन काटी। व्हाट इज द बेनिफिट दैट यू आर गेटिंग आउट ऑफ दिस? देखिए, क्योंकि आपने एक कंसेंसस दिया स्टेट को कि जी मैं ये लॉ फॉलो करूंगा और ये दूसरा बंदा भी फॉलो करेगा और हम दोनों में से जोन सा भी लॉ तोड़ेगा उसको इसकी सजा मिलेगी। इसको कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, यानी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट है। एक यही वजह है कि सब आप सब ने अपने राइट्स और लिबर्टीज, आप गवर्नमेंट को पैसे क्यों देते हैं, आप टैक्सेस क्यों देते हैं, आप लॉ को क्यों फॉलो करते हैं, क्यों आप एक का एक पर्टिकुलर पासपोर्ट है, क्यों आप ड्राइविंग के लॉज को फॉलो करते हैं, बिकॉज आपने ये एक अनस्पोकन अग्रीमेंट है आपका स्टेट के साथ कि द स्टेट विल प्रोटेक्ट यू, इट विल गिव यू सिक्योरिटी and safety and justice and other benefits, और आप उसके बदले में you will listen and be obedient to the state। ये एक अरेंजमेंट है जो हम सबका है अपनी स्टेट्स के साथ, जो भी ग्लोबल पॉपुलेशन। तो जो लोग स्टेट को फॉलो नहीं करते तो ना वो सिक्योर होते हैं they're always on the run, और या वो उनका कोई एजेंडा ऐसा होता है जिसके लिए वो लड़ रहे होते हैं, जैसा कि आपके छोटे छोटे फ्रिंज ग्रुप्स बन जाते हैं जिसमें आपके सामने बहुत बड़ी मिसाल है, जिस तरह से ये बलोच लिबरेशन आर्मी है और जिस तरह की जो मुख्तलिफ ग्रुप्स बन जाते हैं तो उनका क्या होता है, स्टेट उनको जो है ट्रीट करती है एज वायलेंट ग्रुप्स। तो ये आप समझने की बात है कि सिक्योरिटी से मुराद है अनएक्नॉलेज्ड कंसेंसस, यानी कि आपने कोई पैदा होते कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया मगर ये अंडरस्टूड है कि आप स्टेट के लॉज को फॉलो करेंगे, जो स्टेट आपसे डिमांड करेगी जहां आप रहते हैं उस एरिया के उस रीजन के लॉज को आपने रिस्पेक्ट करना है, बिकॉज दैट इज व्हाट इट डिमांड्स इन रिटर्न फॉर योर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। तो जब आप इसको इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो भी ऐसे ही है। देखिए, इंटरनेशनल लॉ जो है उसकी पर्टिकुलरली बेसिस ही यही है। इंटरनेशनल लॉ आपको सिक्योरिटी कैसे देता है, बिकॉज सारी स्टेट्स ने आपस में ये डिसाइड किया कि हम एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे। अगर आप यूएन चार्टर खोल के देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि जी यूज ऑफ फोर्स कोई भी स्टेट दूसरे के खिलाफ नहीं करेगी, एग्रेसिव यूज ऑफ फोर्स सिर्फ एक सूरत में यूज ऑफ फोर्स कर सकती है जिसकी बेसिस है या तो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन वन टू या सेल्फ डिफेंस। वो और बात है कि उसको लोग मैनिपुलेट करते हैं, स्टेट्स अपने फायदे में ले जाती हैं, लेकिन दैट इज इक्वली ट्रू फॉर नेशनल लॉज ऑल्सो। पर जनरली एक स्टेबल माहौल रहता है और पीस मेंटेन रहता है क्योंकि एवरीबडी हैज विलिंगली अग्रीड टू फॉलो अ सर्टन सेट ऑफ रूल्स
ताकि सबकी कलेक्टिव बेहतरी और सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। अब जब भी हम इसमें आगे पढ़ेंगे जो भी चीजें, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जहां पे भी कोई इशू क्रिएट होता है, कोई इंटरनेशनल इंसिडेंट होता है, तो फिर इंटरनेशनल सिक्योरिटी की जो मेजर फीचर्स हैं वो क्या बनती है। जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी उसके अंदर दो ही चीजें होती थी, या तो वो फोकस करते थे इंटायरिटी में आपकी पोलिटिकल सिचुएशन को, या वो फोकस करते थे मिलिट्री मैटर्स को। अब क्योंकि things have evolved in a more technological direction, कि अब net को police करना, data privacy को manage करना, आपका एक social media presence को manage करना, पूरी economies एक tweet से ऊपर नीचे हो जाती है, businesses एक tweet से ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो now things have evolved। अब उस तरह से large scale war जो है वो security नहीं आपको दे सकता, and the size of the army that a state has no longer matters as such। It is ke aapke paas aapka jo intellectual property hai, yani aapke paas wo jo advanced technology wo kis scale ki wo matter karta hai। Yeah, obviously once again agar aap guerrilla warfare mein partake kar rahe hain to wo matter karta hai। To wo jo traditional concept tha na ki security ka, wo ab change ho gaya। अच्छा, अब ये आपकी ग्लोबल रिस्क असेसमेंट है। मैंने आप लोगों के साथ एक एग्जेक्टिव समरी शेयर की थी, आई होप आपने उसको पढ़ लिया होगा, जिसमें ये एस्पेक्ट को थोड़ा थोड़ा बताया गया है कि इस साल ग्लोबल सिक्योरिटी या इंटरनेशनल सिक्योरिटी की क्या पॉसिबल फीचर्स हैं। तो उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी में जब हम बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी एक्टर्स। अब सिक्योरिटी एक्टर्स क्या, उसमें सबसे बड़ी मिसाल आपके पास जो है आपका यूएन है, राइट। अब आपके जो जनरल असेंबली है या जो आपकी सिक्योरिटी काउंसिल है वो क्या करती है, वो डील करती है इन सारे कॉन्फ्लिक्ट और पोटेंशियल थ्रेट्स के बारे में। फिर दूसरा सबसे बड़ा मेजर कंसर्न अब इंटरनेशनल सिक्योरिटी में इंटरनेशनल टेररिज्म है। हमें ये पता है कि अब टेररिज्म को एक ही ग्रुप को मुकम्मल तौर से जीरो पे लाके खत्म करना इज इम्पॉसिबल। फॉर द लास्ट 30 years कोई भी ग्रुप जो कि क्रिएशन में आया है उसको सफाए हस्ती से मिटाया नहीं जा सका। इसलिए अब जो बाकी कम्युनिटीज हैं उन्होंने एक स्पेशल कैटेगरी ही बना ली है मुसलमान टेररिस्ट के लिए, जिसको वो कहते हैं रेडिकल इस्लामिस्ट टेररिज्म या इस्लामिस्ट टेररिज्म। दैट मीन्स के वो तमाम फ्रिंज ग्रुप्स जो कि अपनी इंस्पिरेशन ही कह लें वो ड्रॉ करते हैं रिलीजन इस्लाम से, या उसकी बेसिस पे कोई भी एक्ट कर रहे होते हैं। अब वो उसमें वेरिएशंस हैं, बहुत सारी किस्म के ग्रुप्स हैं, इट्स नॉट जस्ट आईसिस और इट्स नॉट जस्ट तालिबान और तहरीके लब्बैक, में से वेरिएशन है, ग्रुप्स हैं, चाहे उनकी रीजनिंग जो है वो पोलिटिकली क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि अगर वो किसी रिलीजियस बेसिस के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं या फाइट कर रहे हैं तो फिर दे आर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर फिनोमेना कॉल्ड इंटरनेशनल टेररिज्म। फिर तीसरा, जैसे मैंने आप लोगों को भी पहले भी जिक्र किया, हेल्थ एंड पेंडेमिक हैज नाउ बिकम एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कि किस तरह से स्टेट्स को एक दूसरे से अब खतरा हो रहा है सिंपली डिजीज और प्रेपरेशन फॉर टैकलिंग ऑफ डिजीज। जैसे कि आप सबने देखा इस वक्त पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या है, कि देखिए अगर आपको एड ना आ रही होती फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज से तो क्या होना था पाकिस्तान का हाल। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस पोजिशन में नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म जो है वो लॉकडाउन टॉलरेट कर सकें, या अनएम्प्लॉयमेंट जो कि बहुत सिवियरली इंक्रीज हुई है पिछले एक दो सालों के अंदर। तो आप सबने देखा होगा कि कैसे हिट कर गए, कैसे एक पूरे पूरे जिस तरह के बिजनेसेस हैं, सबसे बड़ी मिसाल आपकी सिनेमास की, व्हेन वाज द लास्ट टाइम दैट एनीबॉडी वेंट टू अ सिनेमा, तो एक पूरा सेक्टर इकोनॉमी का इतना बुरी तरह हिट हुआ। तो ये भी एक सिक्योरिटी रिस्क है कि क्योंकि आपकी जो अर्निंग है आपकी लाइफ की, या एक कंट्री का जो जीडीपी होता है वो इतना इंपॉर्टेंट होता है कि जब उसकी अर्निंग नहीं हो रही एक मुल्क के लोगों की, और साथ में इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है बिकॉज प्रेशर आ रहा है, और आपके हॉस्पिटल्स इक्विप्ड नहीं है टू हैंडल, तो इट इज अ सिक्योरिटी रिस्क ना, बिकॉज दैट मीन्स कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर हो रहा है और अब आप ससेप्टेबल है, दैट मीन्स कि अब आपको ऊपर हमला करना या आपकी इंटेलिजेंस का एडवांटेज उठाना या आपकी किसी भी वेपन का फायदा उठाना बहुत आसान हो जाता है। जैसे आपने देखा कि इंटरनेशनल स्टेट्स जो हैं वो जनरली पाकिस्तान के ऊपर एक इल्जाम लगाती है कि इनके पास न्यूक्लियर एसेट्स इसलिए नहीं होने चाहिए क्योंकि इसको सिक्योर नहीं कर सकते। ये बहुत सालों से
ये बात चली आ रही है कि भाई पाकिस्तान की सिक्योरिटी बड़ी कमजोर है तो इनके तो न्यूक्लियर वेपन्स टेररिस्ट के हाथों चढ़ सकते हैं। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, इंशाल्लाह ना ही हो फ्यूचर में भी, लेकिन बहरहाल दिस इज व्हाट इट मींस कि जब आप हिट होते हैं तो वो एक सिक्योरिटी रिस्क बन जाता है। उसी तरह एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, यानी कि पाकिस्तान की भी एग्जाम्पल वंस अगेन हम उठा लेते हैं कि जी आप एक वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है, आपके जो पानी का सोर्स है वो इंडिया किसी वक्त भी मूड ज्यादा खराब हो बंद कर सकता है, वो करता भी रहा है, तो आप क्योंकि नीचे हैं पानी रिसीव करने में आप सेकंड नंबर पे आ रहे हैं इंडिया की निस्बत, तो जब आप नीचे हैं और आपके जो रिवर्स हैं वो अपवर्ड से नीचे की तरफ फ्लो कर रहे हैं और वो इंडिया से आ रहे हैं और वो हर रिवर पर डैम बनाने पे तुले हुए, तो फिर क्या होगा? आप देख रहे हैं कि आपको एक इन्वायरमेंटल बहुत बड़ा डेंजर है इस वक्त अपने नेबर से जिसके साथ आपके तालुकात ही अच्छे नहीं, कि वो आपको इन्वायरमेंटली इतना स्ट्रेस दे सकते हैं कि आपके पानी की सप्लाई वो रोक सकते हैं। तो सिक्योरिटी रिस्क ये भी है आप, और जनरली ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और पाकिस्तान एक वनरेबिलिटी इंडेक्स जो है ना, जो इन्वायरमेंटल का इश्यूज के हवाले से दिया जाता है, तो उसमें हम कुछ साल पहले तो 7 पे थे, अब हम तीसरे और चौथे नंबर को हिट कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ एट रिस्क कंट्रीज। फिर जी एनर्जी सिक्योरिटी, कि आपको आपकी बेसिक नेसेसिटीज मीट करने के लिए एनर्जी सप्लाई करने की कैपेसिटी मौजूद है या नहीं, यानी कि क्या आप लोग, जैसे आप सबको पता है कि कुछ साल पहले तक बहुत सिवियर लोड शेडिंग थी पाकिस्तान के अंदर, कि इट वॉज इम्पॉसिबल और ये एक रूटीन की बात समझी जाती थी कि चार चार पांच पांच छह छह घंटे जो है लोड शेडिंग हो, तो ये आपको एनर्जी सिक्योरिटी इश्यूज थे। अब आप यही चीज फेस कर रहे हैं सुई गैस के साथ, क्या आपके रिजर्व जो है वो खत्म हो रहे हैं और आप यू आर नाउ वंस अगेन एट रिस्क फॉर फ्यूल, और क्योंकि इन्हीं फ्यूल्स के थ्रू आपकी इंडस्ट्री चलती है तो वो फिर वंस अगेन इट्स अनदर ह्यूज रिस्क। रिमेंबर दिस कि ये सारे इश्यूज जो है इंटरनेशनल लेवल पे उसी तरह अप्लाई होते हैं जैसे एक नेशनल स्टेट के ऊपर अप्लाई होते हैं। और फिर जैसे कि मैंने आपसे कहा कि रोल ऑफ यूएन है, जिसके अंदर हम सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं कि हमें पता है कि कब कब सिक्योरिटी काउंसिल इन्वॉल्व हुई और कैसे कैसे हुआ, ऑल्दो अब इट हैज बिकम हाईली पॉलिटिसाइज्ड और जो आपके P5 कंट्रीज हैं जिनके पास वीटो का वो कॉन्सेप्ट जो है जब तक वो रहेगा इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, कि एक स्टेट कोई इशू उठाती भी है तो दूसरी उसको वीटो कर देती है, और इस पावर को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में अमेरिका ने बहरहाल इग्नोर करते हुए भी उन्होंने हिस्सा लिया, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने कुछ बहुत ज्यादा घास भी नहीं डाली, लेकिन बहरहाल एक इंस्टीट्यूशन मौजूद है जो कि आपकी इंटरनेशनल सिक्योरिटी को रेगुलेट करने की कोशिश तो कर, जो ज्यादा बहुत पावरफुल स्टेट्स हैं वो बेशक इसकी पावर ग्रिप से इंटायरली वो उसके अंदर नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स एटलीस्ट आर अंडर दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस ग्रिप, इतनी जरूर है कि कलेक्टिवली जो डिसीजन है तो उसका प्रेशर जरूर जनरेट होता है। और जो अब सबसे हॉट टॉपिक आजकल चल रहा है जो कि जिसपे आप क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है जी साइबर सिक्योरिटी के बारे में, कि किस तरह अब इंटरनेट के ऊपर इंफॉर्मेशन का लीक हो जाना, वीडियोज का लीक हो जाना, विकीलीक्स की एक बहुत बड़ी मिसाल है आप लोगों के सामने कि कैसे कॉन्फिडेंशियल पेपर्स, और ये जो डीब्रीफिंग अभी रिसेंटली हुई है अफगान वॉर के ऊपर जो रिपोर्ट थी उसके ऊपर जो इतने डिटेल मामलात आए हैं उस पर आप पता चला है कि जी एक्चुअली लोग क्या सोच रहे थे, सो थिंग्स हैव बिकम वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे यूज्ड टू बी 50-60 इयर्स। अब डायमेंशन ही बदल चुकी है इंटरनेशनल सिक्योरिटी, और अगर आपको इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर सवाल आता है और उस कॉन्टेक्स्ट में जैसे इंटरनेशनल सिक्योरिटी के हवाले से आप पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि तालिबान को 20 साल पहले एक इंटरनेशनल थ्रेट डिक्लेयर करके उनके खिलाफ एक्शन लिया गया, कि तालिबान के स्प्रेड को रोकना बहुत जरूरी है अदरवाइज वो दूसरे मालिक में फैल सकते हैं, अलकायदा के स्प्रेड को रोकना बहुत जरूरी है बिकॉज वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में और ममालिक में जाके तबाही फैला सकती है, एंड दे आर एन इंटरनेशनल रिस्क टू द पीस ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी, और इस बेस के ऊपर जो है अक्सर बेशतर जो है वो इन्वेजन जो है वो स्पॉन्सर की गई है, जैसे अफगानिस्तान में, जैसे इराक में, जैसे लिबिया में, कि जी फलां हम पे हमला कर सकता है, किया नहीं होता पर कर सकता है बिकॉज इट्स दे आर स्टिल अ डेंजर टू अस, तो ज्यादातर केस में यही यूज किया जाता है, वजह बनाई जाती। अब
इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम देखेंगे कि भाई यूएन का क्या प्ले, हाउ इज यूएन गोइंग टू चेंज एनी पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ दिस, कैसे जी। सबसे पहले आपको पता है कि कुछ बड़ी मशहूर ट्रीटीज हैं जिनके नाम आप लोगों को फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आप बता देती हूँ कि डिसआर्मामेंट के ऊपर कौन सी ट्रीटीज मौजूद है। डिसआर्मामेंट पे जैसे आपको पता है कि जी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन या जो एनपीटी ट्रीटी है उसके सिग्नेटरीज हैं बहुत सारे ममालिक के, उन्होंने दुनिया को ज्यादा सिक्योर करने की फेवर में अपनी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं उनको डिसमेंटल कर दिया। उसमें सबसे बड़ी मिसाल आपके पास कैनेडा की, कैनेडा वॉज पार्ट ऑफ दिस एंड दे कुड हैव वेरी इजिली क्रिएटेड अ न्यूक्लियर प्रोग्राम बट दे चोज नॉट टू इन फेवर ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी। वो कर सकते थे पर उन्होंने नहीं किया। सो अब जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान के ऊपर भी सैंक्शंस लगी थी जब उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम बन रहा था, जब बन गया तो फिर कुछ हो नहीं सकता था, अब तो कितना ही अरसा हम पे सैंक्शन लगी रहती। इंडिया को भी इन्होंने सेंसर किया था पर उन्होंने भी कर लिया। सो जब से ये ट्रीटी साइन हुई है, ये हुई है, तो इट इज यूनिवर्सली बैंड ऑन स्टेट्स टू इनिशिएट अ न्यूक्लियर प्रोग्राम, विच इज प्रिसाइसली वाई ईरान आज तक भुगत रहा है बहुत क्रिपलिंग सैंक्शंस इकोनॉमिकली, जिससे वो अभी तक निकल नहीं सके। क्योंकि जी मेजर इशू जो है वो सबको यही है कि जी ये कहीं न्यूक्लियर वेपन्स ना बना। अब उनका प्रोग्राम बेशक अभी कोसों सालों दूर हो, लेकिन अगर वो कर रहे हैं काम उसके ऊपर तो दे आर इन वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल। फिर प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी, यानी कि किसी कॉन्फ्लिक्ट के होने से पहले कि लॉस ऑफ लाइफ को किसी तरह बचाया जा सके, यूएन अक्सर इंटरवीन करता है दो स्टेट्स के दरमियान में टू ब्रोकर पीस, यानी कि वो दोनों में सुलह कराने की कोशिश करता है। ये तो इतना 20 साल की जंग के बाद भी दोहर राउंड्स ऑफ टॉक्स हुई हैं बिटवीन तालिबान, टर्की, रशिया, यूएस, इंडिया, ये सारे ममालिक यहाँ पे क्यों गए, व्हाट वाज द पर्पस, ताकि फर्दर लॉस ऑफ लाइफ को रोका जा सके, मतलब फर्दर इन्वॉल्वमेंट इन अ कॉस्टली वेंचर, इन अ डेंजरस वेंचर, उसको खत्म किया जा सके। फिर आपको पता है कि यूएन ने पीस कीपिंग मिशन भी इनिशिएट किए हैं पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर। एक जमाने में सिरिलियन के अंदर एक पूरी फोर्स थी यूएन की जिस के अंदर वॉलंटरली पूरी दुनिया से फौजी जो है वो गए थे। अफ्रीकन स्टेट्स में बहुत ज्यादा पीस कीपिंग मिशन मौजूद रहे हैं, इसमें रुवांडा जो है एक बहुत मशहूर स्टेट है जहां पे जाके पीस कीपिंग मिशन यूएन ने किया है। लेकिन ये याद रखिएगा कि जो पीस कीपिंग और पीस बिल्डिंग मिशन हैं ज्यादातर ये आपको कमजोर ममालिक में ही मिलेंगे, ज्यादा पावरफुल स्टेट्स या न्यूक्लियर जो स्टेट्स हैं उनके पास आप देखेंगे कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि जी यूएन उधर जाके कोई अपनी फोर्स डिप्लॉय कर सकता है। फिर यूएन जनरली काउंटर टेररिज्म के ऊपर स्ट्रेटजीज करता है, उस पर मिलता है, रिपोर्ट्स तैयार करता है, डेटा कलेक्ट करता है और सारी स्टेट्स मिलके एक ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी के ऊपर भी हर साल कोई ना कोई रिपोर्ट इनिशिएट करते हैं और कोई ना कोई वर्किंग पेपर इनिशिएट करते हैं, यानी कि वो डिस्कस करते हैं कि ये अब हमारा फ्यूचर प्लान है और ये अब इस एस्पेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट थ्रेट है। आपको पता है कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में क्यों हम डाले हुए हैं, वजह क्या है? फिर सिंपली ये कि हमारा जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी इकोनॉमी है, उसका बहुत मेजर पार्ट अनडॉक्यूमेंटेड, यानी कि उसको कहीं से ट्रैक या ट्रेस नहीं किया जा सकता। ये जो इजी पैसा और ये जायज कैश, इनके कोई रिकॉर्ड्स नहीं, कोई ट्रैकिंग नहीं। इनको कहते हैं आपको जो ट्रांजैक्शंस है ना, जो छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस दैट आर इनफ टू कॉज डैमेज या जिससे टेररिज्म को फंड किया जा सकता है, वो ये जो कॉन्सेप्ट है हवाला हुंडी का, ये मसला करते हैं आपके। हवाला हुंडी जो है वो पैसे की वो ट्रांसफरेंस है जो कि बैंक्स वगैरह से हट के है, जो कि स्मगलर्स के थ्रू हो सकती है, जो कि ये ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह जिनको कहीं से ट्रैक नहीं किया जा सकता। किसी की भी शनाख्ती कार्ड पे फलां नंबर पे आप पैसे भिजवा सकते हैं ना इजी पैसा के थ्रू, तो इनको किस तरह से आप नेट के अंदर लाएंगे कि इनका रिकॉर्ड रखा जा सके। अब ये सारी वो चीजें हैं जो कि काउंटर टेररिज्म इंटरनेशनल लेवल पे जाके सिक्योरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्वर्सेशन होती है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जी साइबर सिक्योरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट ग्रोइंग एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी, ये हम देख रहे हैं वो चंद अटैक्स जो कि सिर्फ पिछले कुछ सालों के अंदर किए गए इन रीजन के अंदर। एज यू कैन सी कि अब तो क्रिप्टो करेंसी भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया हुआ है कि क्रिप्टो माइनर्स जो है
ये वैसे मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ, उसको याद करना कोई जरूरी नहीं है, बस आप सिंपल ये देख सकते हैं कि इस टाइप के साइबर अटैक्स जो हैं वो रीजन्स में पड़े हैं, जिसके आप नोट करेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा जो हमले होते हैं ना साइबर, वो आप देखेंगे कि इधर होते हैं अपना अमेरिकाज में और ये आपके डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, कि यहाँ पे बहुत ज्यादा अटैक मौजूद है इन सारी चीजों का। तो वॉट इज द टोटल इम्पैक्ट ऑफ दीज थिंग्स, कि जब आपकी साइबर चीजों के ऊपर हमला होता है तो नुकसान क्या है उसका, क्योंकि डेटा अब पेपर नहीं रहा, अब चीजें जो है वो डिजिटाइज हो रही हैं, तो डेटा अब इंटरनेट या इंटरनेशनल क्लाउड के अंदर मौजूद होता है, जिसको फायरवॉल से प्रोटेक्ट किया जाता है। आप ये, आई एम नॉट अ कंप्यूटर स्टूडेंट बट हाउएवर मैं आपको इतना जरूर बता सकती हूँ कि जो फायरवॉल्स होती हैं उनके ऊपर परसिस्टेंटली हमले जारी रहते हैं मुख्तलिफ जगहों के, एक्सक्यूज मी। जी, तो इसलिए जो सबसे इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी वाइज थ्रेट है, अगर आपको इस पर्टिकुलर चीज का कोई सवाल आता है तो आपने ये पर्टिकुलर हेडिंग्स बनानी है जो मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड के अंदर दिखाई है, कि अगर आपको इंटरनेशनल सिक्योरिटी के हवाले से कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये आपकी बनी बनाई हेडिंग्स हैं जो आपको इस पर नजर आ रही है। क्या आपने सिक्योरिटी एक्टर्स का कॉन्सेप्ट बताना है कि वो कौन कौन से हैं, जैसे मैंने आपको बताया वो स्टेट्स होती हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इंटरनेशनल टेररिज्म पे आप बात करेंगे, फिर हेल्थ एंड पेंडेमिक की बात करेंगे, इंटरनेशनल माइग्रेशंस की बात करेंगे। अच्छा, इंटरनेशनल माइग्रेशन से मुराद ये होती है कि जब कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वहां के लोग जो है ना वो रेफ्यूजीज बन के दूसरे ममालिक में जाते हैं और फिर वहां पे स्ट्रेस कॉज होता है, उनकी रिसोर्सेज पे बर्डन पड़ता है और उनको सिक्योरिटी के भी खतरात होते हैं। अब जैसे इसमें सबसे बड़ी मिसाल अभी रिसेंटली सीरिया की है और अब नई मिसाल है अफगान रेफ्यूजीज की, जो कि आप देख रहे हैं कि 5,000 तो यूके और यूएस ही लेने को तैयार हो गए कि जी हम इनको टेम्पररी असाइलम दे देंगे। सो रेफ्यूजी इशू जो क्रिएट होता है ना, इंटरनेशनल माइग्रेशन जो जनरेट होती है सिक्योरिटी इशूज की वजह से, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि वो एक मुल्क के ऊपर दो तरह की सिटीजनशिप रखने वाले लोगों का रिसोर्स बर्डन डालता है। अच्छा, अब हम आते हैं आज के तीसरे टॉपिक के अंदर जो मैंने अभी आपको बता रही थी, वो है टेररिज्म एंड काउंटर टेररिज्म, कि कैसे जो है ये पर्टिकुलर, अब आपने देखा होगा कि आपका जो सिलेबस है उसके अंदर, मैं जरा थोड़ा सा आपको पहले ये बता दूं कि ये हम जो पर्टिकुलर टॉपिक्स ये पढ़ रहे हैं, मैंने इनको इस तरह से डिवाइड किया कि जो जो चीजें आपस में जिनका कोई ताल्लुक है उसको हम एक गो में ही पढ़ लें। अब जो आपके सिलेबस के अंदर पर्टिकुलरली ग्लोबल इशूज हैं उसमें इंटरनेशनल सिक्योरिटी, टेररिज्म एंड काउंटर टेररिज्म, ठीक है जी, और आपकी जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस है, ये आपस में बहुत ज्यादा ओवरलैप करती है, कनेक्टेड है। तो क्योंकि इंटरनेशनल सिक्योरिटी कमजोर होती है तो टेररिज्म जो है वो बिल्ड होता है, टेररिज्म बिल्ड होता है तो उसकी काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजीज, उसकी टास्क फोर्स वगैरह आपको बनानी पड़ती है। अब जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान एक सदाबहार कंट्री मौजूद रहा है, 2019 के अंदर भी वी वर सेवेंथ एंड वी आर स्टिल कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस countries in terms of terrorism, and with Afghanistan being the number one country as a haven for terrorist groups. ये भी हमें पता है कि सीरिया से expel होने के बाद जो है ISIS जो कि एक fringe group है वो इस वक्त अफ्रीका में बहुत ज्यादा एक्टिव है, और वो ये कहते हैं कि उनके छोटे छोटे जो थड़े हैं और portions हैं और groups हैं और sleeper cells हैं वो अफगानिस्तान में मौजूद है। कई लोग ये भी क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी दाइश के स्लीपर सेल्स मौजूद हैं और उनमें से कई जो है वो बलूचिस्तान के अंदर एक्टिव है। सो इंटरेस्टिंगली इंडिया इज नॉट फार बिहाइंड, हमसे एक स्टेप ही नीचे हैं वो। सो उधर भी क्योंकि बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वहां पे, बहुत सारे फ्रीडम फाइटिंग ग्रुप्स हैं जिनको वो लेबल करते हैं, ऑब्वियसली वो कश्मीर की सिचुएशन को हम उनको फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं, इंडियन गवर्नमेंट उनको इंसर्जेंसी कहते हैं,
कि जी ये मुल्क का और स्टेट का पीस खराब कर। सो इंडिया के अंदर एट अ टाइम, एट एनी गिवन टाइम, 5 से 6 जो है ना मूवमेंट्स चल ही रही होती। अच्छा, इंटरेस्टिंगली डिस्पाइट दिस बीइंग अ मेजर फिनोमेना फॉर द लास्ट 3 decades, लाइक हमेशा से ही टेररिज्म कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में मौजूद रहा है, लेकिन ये अब जो एक मॉडर्न नैरेटिव है उसमें इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई। इसके बावजूद कोई ऐसी सेट डेफिनेशन टेररिज्म की इंटरनेशनल कम्युनिटी ने नहीं दी। उसकी वजह यह है कि इट इज वेरी इजी कि फिर अगर आपको डेफिनेशन दे दें तो उसके अंदर पे जो फ्रीडम फाइटर्स है ना, जो कि डिक्टेटरशिप्स के अंदर लड़ाई कर रहे हैं, तो उनको भी बड़े आराम से टेररिस्ट कहा जा सकता है। फिर तो जो स्टेट्स इन्वॉल्व हो रही हैं दूसरे ममालिक के मामलात के अंदर, तो उनको भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। तो कुछ कन्वीनियंटली ही सही टेररिज्म की कोई सच ग्लोबल डेफिनेशन नहीं थी, लेकिन एक 2014 की पर्टिकुलर रिपोर्ट थी जो कि दी गई थी, उसके अंदर थोड़ा सा पहली दफा कोई एक जिक्र किया गया कि जी ये टेररिज्म हो सकता है, और वो ये है कि जी इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस द यूज ऑफ इंटेंशनल, यहाँ पे दो बातें इंपॉर्टेंट है, इंटेंशनल होना चाहिए जी वायलेंस, और इनडिस्क्रिमिनेट होना चाहिए टू क्रिएट एन एनवायरमेंट ऑफ टेरर और फियर इन ऑर्डर टू अचीव अ पॉलिटिकल, रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल एम। यानी कि ये सारी कंडीशंस पूरी होंगी तो आप किसी को जो है वो टेररिस्ट लेबल कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको कुछ स्टेट्स ने टेररिज्म वॉच लिस्ट पर डाला होता है, लेकिन हर कंट्री ने नहीं डाला होता। अब देखिए ठीक से रिमार्केबल बात क्या हो सकती है कि वो जो रेवोल्यूशनरी गार्ड का इनका बहुत मशहूर जनरल और हेड है ईरान के अंदर, वो यूएस में तो टेररिस्ट है लेकिन ईरान में वो उनकी सबसे जो इलीट गार्ड है उसका हेड। हाउ इज इट पॉसिबल दैट वन स्टेट could declare that person, जिस जनरल को इन्होंने मारा भी फिर स्ट्राइक के जरिए, उसको उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ था टेररिस्ट, जबकि ईरान में ही वो हेड ऑफ द रेवोल्यूशनरी गार्ड। फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर एक बात आपने ये याद रखनी है कि सिंस 2014, जो कि गोल्डन ईयर समझा जाता है फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज, बिकॉज उस साल हिट कर गया था हाईएस्ट पूरी दुनिया में टेररिस्ट एक्टिविटी पीक पर थी, तो वहां से फिर गिरना शुरू है आहिस्ता आहिस्ता, थिंग्स हैव स्टार्टेड टू स्टेबलाइज, चीजें इंप्रूव हो रही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जहां जहां जो दूसरी फॉरेन पावर्स इन्वॉल्व हैं वो अब ये रियलाइज कर रही हैं कि भाई उनकी इन्वॉल्वमेंट, जिस स्टेट के साथ वो इन्वॉल्वमेंट कर लेते हैं और उनकी जो लोकल पॉपुलेशन है, जब हालात खराब होते हैं तो वहीं के लोग हथियार उठाते हैं और वही ये टेररिस्ट ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं, और जब वो ज्वाइन करते हैं तो उस वक्त दे आर ड्रिवन बाय एक्सट्रीम हेट्रेड फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज लाइक यूके, यूएस, और इधर ही फिर वो हमले करवाते हैं। कोई भी शख्स ओवरनाइट रेडिकलाइज नहीं होता। टेररिज्म को क्रिएट करने के लिए कोई 3-4 चीजों का होना बहुत जरूरी है, कि आपके पास इकोनॉमिक डेप्रिवेशन हो, यानी कि आपके पास यू डोंट हैव इनफ फूड और रिसोर्सेज, फिर टू आपके पास कोई प्रॉस्पेक्ट्स ना हो, यानी कि एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, या आप एक कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंदर रह रहे हैं, इकोनॉमिक डिग्रेडेशन है, या बहुत पुअर क्लास से आपका ताल्लुक है, तो यू हैव नथिंग। रिमेंबर दिस कि अ टेररिस्ट हैज नथिंग टू लूज इन मोस्ट केस सिनेरियोस। मैं यहाँ पे टेररिज्म की लीडरशिप की बात नहीं कर रही, इन मोस्ट केस सिनेरियोस जो एक ऐसा टेररिस्ट है जो कि बहुत ज्यादा रेडिकलाइज्ड है और जो जंग लड़ रहा है या जो सुसाइड बॉम्बिंग का हिस्सा बन रहा है, वो शख्स है हु हैज एब्सोल्युटली नथिंग टू लूज। इसलिए इस तरह के शख्स से लड़ना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ही हैज नो फियर। ऐसे शख्स से आप कैसे लड़े, वो जिस एक अल्टीमेट थ्रेट आपको डेथ ही हो सकता है ना, और या किसी लव्ड वन की डेथ हो सकती है। अब एक कोई जो कॉन्फ्लिक्ट जोन से ऐसा कोई हम प्रिज्यूम करते हैं टीनेजर है जो कि सुसाइड बॉम्बिंग की तरफ चला गया, जिसका पूरा खानदान एयर बॉम्बिंग में मारा गया, तो फिर उसके पास क्या है? कैन दिस पर्सन बी टॉर्चर्ड फॉर इंफॉर्मेशन? नो। कैन दिस पर्टिकुलर पर्सन
बी गिवन एनी काइंड ऑफ बेनिफिट जिससे अब उसको कोई फर्क पड़ेगा, कोई उसको आप लालच दे सकते, नहीं. विच इज वाई जो टेररिज्म का कॉन्सेप्ट है वो इन्वॉल्व इस तरह भी हो रहा है कि अब स्टेट्स या ऐसा ऐसा रियलाइज कर रही है कि जी ये जो कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्वमेंट है ये उनको इसके लेने के देने पड़ते हैं. इससे जो भी इनको सपोजिडली बेनिफिट होता रहा है इट इज नॉट वर्थ द रिस्क इट हैज क्रिएटेड ग्लोबली. अब ये कुछ फैक्ट्स यहाँ पे मौजूद है, मैं इनको बार बार से भी नहीं रिपीट करना चाह रही कि ये अब आपके सामने है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है उसके हिसाब से किस तरह से अब डेथ्स डिक्रीज हो रही है हर साल ड्यू टू टेररिस्ट इंसिडेंट्स, लेकिन इट इज स्टिल अ वेरी हाई नंबर कंपेयर टू प्रीवियस सेंचुरीज. अब ये वो डेफिनेशन है जिसका मैं आपको जिक्र कर रही थी कि जी इंटरनेशनल लॉ में टेररिज्म को पॉसिबली 2002 में एक ही रिपोर्ट में डिफाइन करने की कोशिश की गई थी. मतलब दिस इज जस्ट एन अटेम्प्ट, ये कोई रनिंग या वर्किंग डेफिनेशन नहीं है और अभी तक ऑल स्टेट्स हैव रिफ्यूज टू कम अप विद अ सिंगल सॉलिड डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म सिंपली बिकॉज वन मैन्स टेररिज्म कुड बी अनदर मैन्स फ्रीडम फाइटर. इसी बेसिक लॉजिक की जिनको हम कश्मीर में फ्रीडम फाइटर कहते हैं उनको इंडिया टेररिस्ट डिक्लेयर करता. सो ये चीज दिमाग में रखते हुए गोइंग टू मूव अ लिटिल फॉरवर्ड. ये आपके सामने डेफिनेशन है लिखी आ रही, इसको आप लोग चाहें तो याद भी कर सकते हैं और पेपर में इसी तरह कोट भी कर सकते हैं. सो ओके आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर नाउ एंड ये आखिरी जो 10 मिनट इसमें वी कैन डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर राउंड एंड इन 10 मिनट्स क्लोज पे आप जो भी सवाल करेंगे उसमें आप सबको जवाब भी दे दूंगी. और जस्ट टू रिकैप ऑन अ लिटिल के जी इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने 3 एस्पेक्ट्स को कवर किया है, हम बल्कि इसमें एक अभी रहता भी है. हम इंटरनेशनल सिक्योरिटी को देख रहे हैं, उसके 5 क्या की एस्पेक्ट्स हैं जो कि मॉडर्न इंटरनेशनल सिक्योरिटी को गवर्न कर रहे हैं और मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में इंटरनेशनल सिक्योरिटी है क्या और क्या क्या चीजें उसके अंदर आती हैं और उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर टेररिज्म कहाँ फॉल करता है और यूएन का क्या पर्टिकुलर रोल है, इकोनॉमिक्स कहाँ फॉल करती है और अब रीसेंट एंट्री जो हमारे पास है वो कि हेल्थ और पेंडेमिक का क्या रोल है किसी भी स्टेट की सिक्योरिटी के ऊपर. और ये वो की पॉइंट्स हैं जो अभी तक हमने डिस्कस किए और इसमें फर्दर अभी हम आगे करेंगे भी जब हम कॉन्फ्लिक्ट जोन्स को देखेंगे. ओके सो आई एम गोइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग एट दिस पॉइंट. आप लोग अपने कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं.